नमस्कार, स्वागत है आपका। इतिहास का पुनः पुनः यानी बार बार अभ्यास करना चाहिए, ऐसा उपदेश जर्मन फिलोसोफर एंगल्स ने किया है। हमारे लिए भी इतिहास को बार बार पढ़ना और उसका समीक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रामायण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो है, इसको हमको पढ़ के उसका विश्लेषण और उसको चिकित्सा करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं रावण के पुतले जलाने के बारे में। हर साल जो रावण का पुतला जलाते हैं वो क्यों? रावण कौन था? रावण राक्षसी कैकसी का पुत्र था और उसके पिता का नाम विश्राव्य था। वो लंका का राजा था और उसके बारे में खुद वाल्मीकि ने रामायण में बहुत अच्छा लिखा है, उनकी प्रशंसा की है, उसके 10 गुण बताए हैं। जैसे वो महान विद्वान था, वो वेद का ज्ञाता था, उसको बलशाली वीर योद्धा कहा गया है, परमात्मा का पवित्र पुत्र कहा गया है, पवित्र आत्मा इस तरह से, और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला दयालु राजा, इस तरह से उन्होंने उसके 10 गुण बयां किए हैं। बस वो ब्राह्मण और ऋषियों की घृणा करता था क्योंकि वे यज्ञ में जिंदा मूक पशु और पक्षी और इनको जिंदा यज्ञ में जलाते थे और उसको भूज के खाते थे, तो इसके लिए वो ब्राह्मण और ऋषि का घृणा करता था। इसके अलावा उसके पास और कुछ कारण नहीं था उनका द्वेष करने का। लेकिन रामायण में अगर हम राम का चरित्र देखेंगे तो वो हमें छल और कपट करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि उन्होंने बाली और सुग्रीव में जो बेबनाव था उसको एक करने के लिए सुलझाने के सिवा उन्होंने बाली को मारने का रास्ता चुना और सुग्रीव को मदद की और बाली को मारा। शंभुक जो था वो शूद्र था और वो तपस्या कर रहा था, बस इसी कारण उसको भी मारा, राम ने खुद जाके उसका सर काटा। और शबरी जो आदिवासी थी, वो एक उसके राज में जब वो वनवास में थे राम, तो उसके राज में प्रदेश में वो जाते हैं तो वो उनको खाना देती है, उनका स्वागत करती है और उनको मीठे बेर खिलाती है, लेकिन राम के जाने के बाद वो अग्नि प्रवेश करती है, ऐसा लिखा गया है, कहा गया है। तो उसने अग्नि प्रवेश क्यों किया? तो इसमें संदेह ये होता है कि हो सकता है कि राम के जो लोग थे उन्होंने ही उसको जलाया। और जो चौथा जो है वो शूर्पणखा, जो खुद रावण की बहन थी और वो खुद एक श्री सत्ताक राज्य की रानी थी, फिर भी उसको उसने राम के प्रति अपनी प्रेम भावना जताई और उसको कहा कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसका मजाक बनाया और लक्ष्मण ने उसके नाक कान और छाती काट दी और उसको कुरूप बनाया, उसका अंग भंग किया। ऐसा तो कोई सामान्य इंसान भी नहीं करता है। ये तो भगवान थे, देव थे, देवता थे, तो इन्होंने ये जो दुर्व्यवहार उसके साथ किया ये बहुत ही गलत और निश्चित ही निंदनीय है। लेकिन रावण ने जब सीता का हरण किया या सीता को उठाया तो उन्होंने उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया, उल्टा उसने अपने भतीजे की निगरानी में उसको अच्छे से रखा। राम और रावण का ये जो झगड़ा है ये सिर्फ इसी बात से है, और दूसरी बात कि राम के राज्य में रावण कभी आया नहीं, ना उसने कभी उसकी जनता को त्रस्त किया, ना कभी उन्होंने राम को त्रस्त किया। तो ये जो झगड़ा है ये दो राजाओं के बीच है, और वैसे देखा जाए तो राम तभी राजा भी नहीं थे, रावण ही राजा था। तो इसको हम लोग धार्मिक जो रूप दिया है और बताया है ये भी एक अजीब बात है। दूसरा, इसके बारे में ऐसे कहा गया है, डॉक्टर हरा दिवेकर लिखते हैं कि ये जो इतिहास रामायण जो है वो इतिहास नहीं है, एक काव्य ग्रंथ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि इतिहास जो है एक पक्ष के लोगों ने ही
मतलब ब्राह्मणों ने लिखा है और उन्होंने इस कदर बाकी लोगों को अपने बराबर आने के लिए रोक लगा दी है कि मतलब उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जो राहुल सांकृत्यायन जो पंडित थे उन्होंने अपनी ओल्गा टू गंगा इस पुस्तक में लिखा है कि राम कोई और नहीं पुष्यमित्र शुंग ही है। पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या की और उसका राज हत्या लिया और उसके बाद में ही पुष्यमित्र शुंग के ही राज में मनुस्मृति और जो है रामायण महाभारत ऐसे काव्य लिखवाए गए और उसको प्रसारित किए गए। और इसमें ही जो ये राम और रावण का जो है रावण इनको जो उन्होंने जिस तरह दिखाया है और उसको बदनाम किया है। रावण जो है इनको उन्होंने अशोक के रूप में देखा है, सम्राट अशोक जिन्होंने इसी दिन यानी जो दशहरा जिसको कहा जाता है इसी दिन पहले ही सम्राट अशोक ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया और धम्म चक्र की गति बढ़ाई। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को धम्म प्रसार के लिए दुनिया भर में भेज दिया और भारत भर में भी धम्म का प्रसार किया। इसी विजयादशमी के दिन ही जो रावण का पुतला दहन करते हैं ये मतलब उसका ये क्या बोलते सबूत है कि ये जो है प्रतिक्रांति की गई है। और प्रतिक्रांति के तहत सम्राट अशोक को उन्होंने रावण के पुतले के रूप में देख के वो दहन करते हैं। दशानन कहा जाता है रावण को, 10 सिर वाला या 10 मुंह वाला, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है और इतने सारे सर लेके कोई इतने काम भी नहीं कर सकता है। दशानन कह के जो उसका पुतला जलाते समय उसके 10 चेहरे लगाए जाते हैं उसका अर्थ भी यही है कि भगवान गौतम बुद्ध के जो धम्म में उन्होंने 10 पारमिता बताई है उस 10 पारमिता को नष्ट करने के लिए या उसका प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने ऐसा दशानन वगैरह ऐसा ये काल्पनिक रूप दे के उसको वो जलाने का काम करते हैं। हम बहुजनों को ये बात समझनी चाहिए कि जो रावण का प्रतीकात्मक पुतला हम लोग जलाते हैं वो जो है वो उनकी नज़र में वो सम्राट अशोक है, वो उनके मौर्य सम्राट के पतन का वो जल्लोष है और जो 10 पारमिता है वो 10 पारमिता को ख़त्म करने का उसको दबाने का ये षड्यंत्र है। क्योंकि रामायण में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि एक जो सीता हरण है उसके सिवा रावण ने कुछ और किया है, लेकिन रामायण में राम ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से सारे जो बहुजन लोग हैं उनको चोट पहुंचती है। और दूसरी बात यह है कि युद्ध में राम ने जो हनुमान को लंका भेजा और पूरी लंका को आग लगा दी उसमें तो बहुत सारे निरापराध जो उसकी प्रजा थी वो भी जल गई झुलस गई। तो मतलब नैतिकता के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि रावण श्रेष्ठ था। रावण को बंगाली रामायण में जो लंका सूत्र है उसमें कहा गया है रावण द्रविड़ राजा था और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और इसके लिए भी ब्राह्मण पंडितों ने रामायण द्वारा उसकी अवहेलना और उपेक्षा की। तो अब तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो उनके उत्सव है ये उत्सव में जो महापुरुष जिनको राक्षस दैत्य दानव कह के उनको मारा गया और उनके मृत्यु के दिन को लोगों में अपराधी भाव से बाद में उनको पूजनीय समझ के या बता के फिर से उनके उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब देखा जाए तो जो नवरात्रि है नवरात्रि में नवरात्रि जो देवी है दुर्गा है वो अलग 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 रूप लेती है। वो महिषासुर के महल में ही रही और महिषासुर को नवी रात को उसको उसने मारा। 10वें दिन फिर होना क्या चाहिए, महिषासुर का अंत्यविधि होना चाहिए, लेकिन नहीं 10वें दिन होता है रावण के पुतले का
धर्म। उसके बाद में जो दिवाली आती है, दिवाली में नरक चतुर्थी होती है। और नरक चतुर्थी क्या है, नरकासुर जो था उसको उस दिन मारा, और उसको मारा और उसके बाद में उसको पूजनीय समझ के उसके ही हम लोग उत्सव मनाते हैं। उस दिन क्या करते हैं, वो नहाने के बाद स्नान गृह के बाहर आके एक जो फल होता है उसको नरकासुर का सर समझ के हर कोई वो उसके पैर रख के उसको कुचलता है। कितनी बुरी बात है, जो इंसान जो मर गया है उसको बार बार हम लोग मारते हैं, बार बार जलाते हैं, ये और उसको ही उत्सव बोलते हैं। ये कोई संस्कृति नहीं है, ऐसे संस्कृति हो नहीं सकती। और उसके बाद में होता है बलि का, बलि प्रतिपदा। बलि प्रतिपदा के दिन क्या हुआ है, बलि प्रतिपदा के दिन बलि का खून हुआ है या बलि की हत्या हुई है। बलि अच्छा राजा था, उसका पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसकी प्रजा एकदम खुश थी। फिर भी बटु वामन उसके पास भिक्षा मांगने आता है और उससे 3 बार मांग के उसको ही पाताल में गाड़ देता है। तो ये क्या हुआ, ये भी उसको मार ही दिया। तो इस तरह जो जितने भी ये त्योहार है, जिसको हिंदू धर्म के त्योहार या उसको हिंदू धर्म के उत्सव कहा जाता है, उसमें सारे जो उत्सव है उसमें किसी ना किसी राक्षस दैत्य दानव उनको पुकार के उनकी हत्या हुई है। और ये दैत्य दानव जो थे वो क्या करते थे, वो उनको बस जो ये ऋषि और ब्राह्मण आर्य ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे उनके यज्ञ को वो विरोध करते थे कि यज्ञ में जो बलि दिया जाता है पशु का पंछी का जो भी जिसके भी जितने भी जानवर थे उनकी जो बलि दी जाती है उनको झोंक दिया जाता है आग में, ये इसको मना कर रहे थे और वो ही उसका कारण था झगड़े का उनका। राम लंका गए और उधर जाके उन्होंने युद्ध किया। तो एक तरह से रावण जो है वो युद्ध करते हुए उसको वीर मरण आया, और उसके पहले हनुमान को भेज के उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी। तो वहां पर जो जनता थी जिनका कोई इससे लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों को भी उन्होंने जलाया। तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं हुई। और इतना होने के बाद रावण मरने के बाद जब राम अयोध्या आए, वो सीता को साथ लेके आए, लेकिन बाद में जो हुआ वो आपको सब पता है। बाद में राम जो है वो खुदकुशी करते हैं, सरयू नदी में जाके वो अपनी जान दे देते हैं। ये भी कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है या समर्थ पुरुष का ये लक्षण नहीं है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सीता ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये सारे लोग इनको हम भगवान मानते हैं, इनको हम देव मानते हैं। जो अभी बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि ये काल्पनिक है, ये महाकाव्य है, ये कोई इतिहास नहीं है, फिर भी इसके ये महाकाव्य के जरिए से ही हमारे जो राजा थे उनको उन्होंने मारा, और मारने के बाद भी उनको उनकी अवहेलना उनका अपमान करना अभी भी जारी है। जैसे मैंने बोला रावण को जो है वो प्रतीकात्मक उसके रूप में जलाया जाता है। एक्चुअल में वो अशोक सम्राट अशोक जो है जिन्होंने धम्म क्रांति की, अशोक को भी वो राक्षसी कहते हैं और उनका वो बड़प्पन मानते नहीं है। तो जो अशोक ने काम किया उस काम को इस देश से नेस्त नाबूद करने के लिए और उनकी जो महत्व है उसको कम करने के लिए ही ये रावण का पुतला जलाते हैं। उनकी नज़र से ये सम्राट अशोक है, उनकी नज़र में ये जो मौर्य सम्राट की जो 10वें सम्राट की हत्या हुई और मौर्य राज्य का जो पतन हुआ उसका प्रतीक है, और उनकी नज़र में ये जो बुद्ध की धम्म क्रांति है और उनमें उन्होंने जो 10 पारमिता बताई उसके पतन के लिए इन्होंने ये काम किया है। हमारी नज़र में क्या है, हम लोग क्यों जलाते हैं रावण के पुतले को, ये हमको समझना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों को ये उत्सव नहीं मनाने चाहिए, रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए, ये हमको करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हम लोगों के अगर बहुत ज़्यादा जागृति हो जाएगी, हमारे लोगों को अगर ये समझ में आएगा तो ये ज़रूर हो सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा
आप मुझे जरूर बताइए। मैं हूँ वृषाली दंडवते और आप देख रहे हैं वृषाली दंडवते फ्री थॉट्स। जय भारत।